सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मिथिकल वर्ल्ड का। और आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने एक मिथिकल और खतरनाक सा जो ना गाइस फ्यूनिक्स टेम करने का काम करा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी था। और उससे हमने जो ना गाइस ट्राइब्समैन का जो बॉस होता है ना गाइस, डेजर्ट ट्राइब्समैन का बॉस, उससे भी यहाँ पे फाइट लेने का काम करा था। और ये रहा गाइस वो 1000 लेवल का हमारा मिथिकल फ्यूनिक्स। और गाइस इसका मैं जितना कम हो सकेगा ना उतना यूज करूंगा, क्योंकि इसका डैमेज यहाँ पे माइनस में जा रहा है। माइनस में मतलब आपको पता चली गया होगा कि गेम जो ना गाइस यहाँ पे इसका डैमेज भाई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कितना जा रहा है। उस रीजन से इसका डैमेज यहाँ पे माइनस में बता रहा है भाई अपन को। ये कौन सा जेरबू है भाई, ऐसा ऊपर बैठे हुआ है भाई आराम से। सही है, चलो। तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आज के एपिसोड में मैं यहाँ पे जाके जो ना गाइस टेम करने वाला हूँ खतरनाक एंड ओपी से जो गीगास है ना गाइस, जो डेजर्ट में जिनका भाई 100 गाइस के मतलब 1,00,000 भाई हेल्थ है, उन गीगास को यहाँ पे टेम करने का कोशिश में करने वाला हूँ। और उनको टेम करके मैं उनके एक छोटी सी आर्मी बनाने का काम जो ना गाइस आज की इस एपिसोड में करने वाला हूँ। लेकिन गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे हमारे चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है गाइस ऐसी खतरनाक एंड ओपी सी वीडियोस बनाने के लिए। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चले भाई लोग, खतरों से भरा हुआ हमारा जो एडवेंचर है गाइस वो यहाँ पे शुरू कर देते एंड फुल टू दबाई मचा देते। और अपन को डेजर्ट के बीचों बीच यहाँ पे पहुंचना है और वहां से जो ना गाइस हमको खतरनाक सी गीगास की आर्मी टेम करके लाना है गाइस, ठीक है। तो चले भाई डेजर्ट की तरफ अपन भाई फिलहाल के लिए भाई निकल पड़े। भाई डेजर्ट की तरफ तो मैं निकल गया था, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं वाइब्रेंट की वैली में आ गया हूँ भाई। एक वाइब्रेंट ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था भाई। ओ यहाँ पे इनका नेस्ट नहीं है क्या? अबे नेस्ट बनाओ ना लुंडो, ये अटैक कर रहा। बेटा बेटा बोलू बेटा, देख मस्ती नहीं, देख मस्ती नहीं, मैं आ ही गया हूँ, एक काम कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जो भाई ये सूट है कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला सूट है भाई। एक मिनट रुक जाओ, मैं आ ही गया हूँ, एक काम कर लेता हूँ। बताया क्या गाइस, इनकी पूरी की पूरी नेस्ट चेकआउट करने का, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा कि मैंने जो भाई मिथिकल वाला सूट बनाया है ना गाइस यहाँ पे, वो उतना ज्यादा भाई यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को डैमेज मतलब लेने नहीं देता भाई, मेरे को प्रोटेक्शन काफी ज्यादा देता है भाई, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ओपी चीज है, बट भाई फिर भी भाई ये ब्लड वाइब्रेंट मेरा ब्लड खींच के भाई खुद को रिजेन करने का काम कर रहा है यार। अबे जाओ ना यार लोंडो, इन लोग का एक भी नेस्ट नहीं है यहाँ पे यार। अबे गाचो गाचो करके नेस्ट बनाओ ना, भेज के आग अंडे कब चुराऊंगा मैं भाई, मैं तो भाई प्रोफेशनल अंडा चोर हूँ यार। अंडा चोरी करे बिना जो ना भाई अपन का दिन नहीं निकलता भाई यहाँ पे। भाई मेरे को जितना जल्दी हो सके ना गाइस इनके भाई अंडे चुराने। और मेरे को खास एक ही वाइब्रेंट चाहिए, वो है गाइस ब्लड वाइब्रेंट, उसके अलावा और कोई वाइब्रेंट नहीं चाहिए भाई। पीछा छूट गया ना गाइस, पीछा तो छूट गया वाइब्रेंट से। चलो आ जाओ आ जाओ, अभी फिलहाल के लिए इस एरिया में जो भाई गीगास घूम रहे हैं ना गाइस उनको टेम कर लेते फटाक से सटाक से भाई, ठीक है। गीगान तो सोरस कहाँ पे चले गए भाई लोंडो गीगा? अबे भाई मैंने यहाँ पे एक नहीं दो नहीं भाई 4-5 गीगा देखे थे भाई। हेलो गीगा सर जी, वेर आर यू? अबे कहाँ हो गीगा तुम? गीगा मेरे को मिल जाएंगे गाइस एक ही पे, टेंशन लेने वाली कोई भी बात है नहीं वैसे। रुक जाओ रुक जाओ, गीगा को तो ढूंढ के रहूंगा भाई, ढूंढ के क्या टेम करके रहूंगा भाई मैं यहाँ पे। अभी यार लेकिन यहाँ पे ट्राइब्समैन है यार ये लुंडे, वो ट्राइब्समैन नहीं है यहाँ पे, डोडो से। तुम ज़ॉम्बी डोडो? अभी यहाँ पे तो ज़ॉम्बी डोडो घूम रहे है। ओके भाई ये रहा हमारा 3D लेवल का फर्स्ट गीगा भाई, जिसको अपन टेम करने वाले। लेकिन इसका टॉर्क और नेक्स्ट लेवल है बेटा, जीनो की बल, ठीक है जीनो की बल तो नहीं है बेटा। इधर आ, वाओ 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 वाओ, डैमेज दे सकता है काफ़ी तगड़ा वाला। थोड़ा बच गया भाई। अबे ज़ॉम्बी डोडोस भी तो थोड़ा सा बचना है मेरे को, ठीक है ले बेटा। नाइस वन, काफ़ी बढ़िया। ये मेरे को थोड़ा सा अजीबोगरीब गीगा लग रहा है, या हमारा नॉर्मल वाला गीगा तो पक्का सो डक्का नहीं है, इतना तो मेरे को पता चल गया भाई, ठीक है। चल ले बेटा, ज़ॉम्बी डोडो है क्या भाई? यार भाई ज़ॉम्बी डोडो तुमको क्या, तुम्हें बताओ बाबा जी प्रसाद तुमको ले, तुम चाहे रुक जाए भाई। हमारी इंसाफ की वो छड़ी निकाल बेटा, इंसाफ की छड़ी निकाल। प्यारे प्यारे मित्रों इधर आओ, ज़ॉम्बी डोडो के बच्चे हैं गोल बेटा। मस्ती नहीं बोला था ना, मार खाना है। ले बेटा, इन फ्लेम अटैक, ले बेटा आग लग के ही मर जाओगे तुम भाई, तुम्हारी जिंदगी आग लग के ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मेरे को भी ब्लीडिंग अटैक दे रहे, शर्म नहीं आती। अभी हिलिंग कर रहे होगा खुद को हिल कर रहे होगा बेटा लोग,
अबे खुद को हिल कर रहे वापस से यार, तो चीटिंग जब आई नहीं, चीटिंग नहीं है, मर रहे भाई, इसमें से कुछ मरने वाले भाई, इसमें से कुछ तो मरने वाले भाई, खत्म खत्म, रुक जा बेटा लोग, भाई तुमको तो आग वाला अटैक दे दे के पेलम पाल दे दूंगा भाई, ज़ॉम्बी ढूंढो के भाई, अरे यार एक ग्रुप ने मेरे ऊपर अटैक ही कर दिया भाई यहाँ पे, रुको मर जाओ, ये तलवार भाई किसी काम की नहीं है भाई, काफी कम डैमेज दे रही है, मरना भाई मरना 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 भाई, स्पॉइल मीट काफी ज्यादा मिल रहा है मेरे को, अबे मर जाओ, गीगा उड़ जाएगा उधर बेटा लोग, अबे बाद में आओ, बाद में आओगे तुम, मैं गीगा को पहले टेम कर लेता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ गाइस, ना 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 रुक 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 जाओ, ये लातों के बूते बातों से नहीं मानते भाई, ठीक है, गुल बेटा बोला था तुमको मस्ती नहीं, गुल बेटा मस्ती नहीं बोला था तुमको, बोला था ना मैंने मस्ती नहीं बेटा, मस्ती नहीं, लाड़ में आ रहे भाई ना, हम थोड़े शरीफ क्या हो गए भाई, हमारी बैंड बजाने के लिए आ गए, ये बगो भैंस क्या, तुम भी बगो यहाँ से, ठीक है भाई, ये रहा हमारा गीगा भाई एकदम खतरनाक सा, और ये मेरे को काफ़ी ओपी वाला गीगा लग रहा है, अरे यार इसका वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जीनो की बल्ट यूज़ कर लो क्या, लेकिन मैं यूज़ कर लेता हूँ मिड भाई, अबे यार तेरे को क्या दिक्कत है बेटा, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ भाई, इसका मीट नहीं है क्या मेरे पास, मीट तो होना चाहिए, हाँ है तो मीट डाल के टेम कर लेता हूँ ना गाइज, नॉर्मल मीट डाल के टेम कर लेता हूँ, जीरो की बल क्यों वेस्ट करूँ जबकि प्राइम मीट से टेम हो सकता है, बताओ मेरे को, बताओ गाइज, जीरो की बल क्यों वेस्ट करना, प्राइम मीट से भाई तो बड़े आराम से टेम हो जाएगा भाई, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा खाएगा, टेमिंग इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस 1% कम होगी भाई, 1% टेमिंग इफेक्टिवनेस कम होगी, बाकी तो टेम हो गया भाई डायरेक्टली, ले बेटा भाई 380 लेवल का खतरनाक सा गीगा भाई, मजाक कर रहे हो आजा बेटा, अच्छा तेरे लिए तो मैं पार्टनर ढूंढूंगा मैं, और कैसे कोई नॉर्मल गीगा नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि नॉर्मल गीगा का आपको भी बताए, इतना तगड़ा वाला डैमेज जो ना कैसे बिल्कुल भी नहीं होता गाइस, डैमेज नहीं सॉरी टॉर्पर इतना ज़्यादा नहीं होता गाइस, उनका भाई लगभग 50 से 60 हज़ार टॉर्पर होता है, हाँ स्केलेटन बॉसेस काफ़ी घूम रहे गाइस, ओके अपने उनके साथ साथ 520 लेवल का गीगा, यार गीगा तो कुछ ज़्यादा खतरनाक वाला लग रहा मेरे को, रुक जाओ भाई, गीगा का लेवल काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई, 560 लेवल का गीगा यार, इसका लुक उतना ज़्यादा ओपी नहीं है, अब मेरे को मारेगा, तेरे ऊपर बैठ के तेरे को टेम करूँगा, आ जा भाई, डर दे क्या, ये आरतों बिर तो पोड़ी हो, अपन को कुछ नहीं होता, पता है मिथिकल वाला सूट पहन के बैठे अपन, खतरनाक वाला भाई, सबको बेहोश कर डालूंगा यहाँ पे भाई, इसको इसका डैमेज ही नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर भाई, डैमेज भी पड़ रहा है तो मेरा सूट मेरे को रिजेन कर दे रहा है डायरेक्टली, वाह बेटे वाह, ये कुछ खतरनाक चीज़ कर रहा है यार मेरा सूट, वो भी बोल दे ब्रो, इधर आ बेटा, हाँ भाई यार ये अभी भग रहा है यार, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा भाई यहाँ पे इसको इसका पीछा करना पड़ेगा, मेरे एरोज जो ना गए यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं यार, अबे रुको 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 रुको, मेरे पास उतने ज़्यादा एरोज नहीं बचे यार, 15 एरो बचे, तो बेस से थोड़े से एरो लेके आना पड़ेगा, टॉर्पूर देख रहे हो क्या उधर रहा है इसका, अरे बेटा पिछवाड़े में सीधा मार देता है इसको, अरे बेटा खत्म ना इसे, हेलो कौन मार रहा है मेरे को, यहाँ पे कोई तो मेरे को पेलम पाल दे रहा था, पता नहीं कौन, ये ले बेटा पहले स्टार्विंग पोजन डालेंगे, उसके बाद मीट डाल देंगे भाई, टीमिंग इफेक्टिवनेस भाई 100%, मजाक कर रहे हो क्या, खतरनाक यार 520 लेवल का है यार, ये काफ़ी तगड़ा वाला डैमेज देने वाला है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला डैमेज देने वाला है, अच्छी बात है, चलो आ जाओ 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 भाई, इसको एक और इसका जो ना गाइस भाई मैं टेम कर लूँगा, 12 एरो मेरे पास बचे हुए हैं भाई, 3 तो अरे टीमिंग इफेक्टिवनेस की भैंस क्या कर दी बिच्चू ने, बताओ बताओ भाई बताओ कितना ज़्यादा हरामखोर बिच्चू होगा भाई ये, लेकिन भाई 98% हो गई भाई टेमिंग इफेक्टिवनेस, कोई सीन नहीं है बेटा बिच्चू, तेरे को भाई माफ़ कर रहा हूँ, जा माफ़ कर रहा हूँ, तेरी पहली गलती समझ के तेरे को माफ़ कर रहा हूँ मैं, वरना भाई तेरे को पेलम पाल दे देता, अभी अपन को जाके जो ना कैसे भाई सूट वर्क कर ले, हाँ नाइस, अपन को एक और गीगा टेम करना है, ये रहा गाइस एक और 180 लेवल का है ना गाइस, इसके लिए भाई 2-3 एरो काफ़ी रहेगी, 2-3 एरो काफ़ी रहेगी आई थिंक, एक ले बेटा दो, बताओ गीगा को कभी ऐसा भाई मुँह के सामने जाके टेम करा है, गीगा उल्टा पेलम पाल दे देगा भाई अगर टेम करेगी कभी इसको तो, ले बेटा आ जा, हड्डी तोड़ भाई कुछ तो अटैक दे रहा था मेरे ऊपर ये, लेकिन भाई अपन ने इसको नॉकआउट कर लिया, और ये ले अभी ये खा ले बेटा, 100% टेमिंग इफेक्टिवनेस, मेरे पास और 9 एरो बची हुई है, इसमें एक और गीगा आई थिंक टेम कर सकता हूँ, क्या बोलते हो, हेलो ए भाई ये कहाँ से आ गया भाई, भाई रन, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, मैं इससे अभी पंगा नहीं लूँगा गाइज, मेरे को इससे जो ना गाइज अभी बिल्कुल पंगा नहीं लेना, ए जा रहे तू, ए जा जा बेटा जा 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 जा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू भाई, निकल ले बेटा, अबे फ्लेमिंग अटैक क्यों दे रहा है, निकलना भेज क्या बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, चला जा निकल ले निकल ले, काफ़ी ज़्यादा दूर भग जाऊँगा भाई सीधा, काफ़ी दूर भग जाऊँगा, ये वाइब्रेंट इतने दूर से गाय को पीछा कर रहा है मेरा, छोड़ो चलो मेरे को तो भाई यहाँ पे वो गीगा ढूंढने है भाई,
घी का मिल जाए तो काम बन जाए अपना भाई। आई थिंक 3 ही घीघा देगा टोटल, मैंने 3 से ज़्यादा घीघा देखे थे गाइस यहाँ पे। वेट अ मिनट, मैंने 3 से ज़्यादा घीघा यहाँ पे देखे थे। ओ यार जितने भी घीघा थे सारे टेम कर लिए मैंने, खतरनाक ब्रो। चलो आ जा भाई अभी घर पे चलते और एक सैडल बनाते, और इनका जो भाई लीडर है ना सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाला घीघा अपना, उसके ऊपर बैठ के फुल टू तबाही मचा डालते। क्या बोलती पब्लिक? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बोले तो तकलीफ ना मेरा भाई। रुक जाओ गाइस रुक जाओ। अभी यहाँ पे अपन बनाएंगे घीघा का सैडल। हाँ ये रहा गाइस घीघा का सैडल। ओ भाई और सबसे ज़्यादा हाई लेवल का घीघा कौन सा है? ये नहीं चाहिए भाई मेरे को। ओ 750 लेवल का घीघा टेम कराया यार मैंने। हेलो मजाक कर रहे हो क्या मिथिक डोडल? नहीं भाई घीघा किधर है? डोडो रेक्सी घीघा किधर है भाई अपना एक? हाँ ये रहा एक और गिगांतोसॉरस। एंड ये रहा भाई अपन का गिगांतोसॉरस का सैडल। अभी गिगांतोसॉरस की अपने आर्मी देखना चाहोगे गाइज? भाई एकदम ओपी से आर्मी टेम कर ली यार गिगांतोसॉरस की। वैसे इनका डैमेज कितना है ना गाइज वो पहले देखूंगा, एंड उसके बाद इनकी आर्मी को भाई एक साथ भाई यहाँ पे लड़ने के लिए लेके जाऊंगा। ये अपने ये एक, उसके बाद भाई ये अपना दूसरा वाला गिगांतोसॉरस जो कि 767 लेवल का है। एंड ये रहा भाई थर्ड वाला गिगांतोसॉरस भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो भाई। गाइस ये देखो भाई। ओ भाई क्या ओपी लग रही है गाइस आर्मी भाई। इसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई फटाक से भाई। देखो तो गाइस भाई क्या ओपी लग रही है गाइस हमारी गीगा। ओए होए खतरनाक बोल दे मेरे भाई लोग, खतरनाक बोल दे भाई। क्या ओपी वाले गीगा जो रहा गाइस वो मैंने यहाँ पे टेम करे भाई। भाई खतरनाक यार खतरनाक। इनकी आर्मी तो काफी ज्यादा ओपी है भाई। अभी दो जो गीगा से इनको फिलहाल के लिए भाई यहाँ पे क्रायो कर लेता हूँ। ये जो हाई लेवल का गीगा था ना गाइस इसको चला के अपन देख लेते कि ये गीगा क्या क्या कर सकता है। हेलो गिगांतोसॉरस मैंने क्या बनाया? गिगांतोसॉरस सैडल। ए भाई बावड़ा हो गया है क्या है? गिगांतोसॉरस सैडल तो मैंने क्या बनाया बाबा तेरे लिए? यार ये तो चीटिंग छे गाइस। ऐसा गेम में चीटिंग होएगा तो मैंने के लगा रहे गाइस। ये भाई मेरा फुद्दू काट दी से यार। और तो चला के देखना था भाई। ये बोल रहे नहीं भाई चलाने तो बिल्कुल ना देंगे तेरे को। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई? ऐसा चीटिंग करता है। एक्सपी पोशन है क्या बेटा? मेरे को यहाँ पे एक्सपी पोशन तो मिला था भाई। एक्सपी पोशन है क्या? लार्ज एक्सपीरियंस पोशन। बाप रे ये क्या ऐसा 30 बॉटल में लार्ज एक्सपीरियंस पोशन मिला है भाई। ले बढ़ाओ यार अभी तुम्हारे भाई। रुक जाओ इनको जो ना कैसे भाई ग्रुप में मैं यहाँ पे भाई भिड़ा दूंगा किसी ना किसी डायनो से भाई ठीक है। एंड उसके बाद फुल टू तबाही मचा डालेंगे अपन। ये तुम ऑटो हीलिंग नहीं कर रहे हो क्या? ये कहीं जेलोंडे ऑटो हीलिंग नहीं कर रहे यहाँ पे? इनका ऑटोमेटिक हीलिंग नहीं है। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई गीगा इधर आ जाओ बेटा तू। रुक जाओ भाई इस गीगा को जो ना थोड़ा सा भाई अपन लेवलअप कर लेते। इसको भी एचपी पोशन चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी होता है। सैडल वापस दे दे भाई इसके। काम का फोकट में सैडल बना लिया यार मैंने। ओ यस लेट्स गो भाई लेट्स गो। एकदम खतरनाक वाले अपनी गीगा होने वाला है गाइस। अपनी गीगा आर्मी से भी अपन हंटिंग करने वाले हैं गाइस ठीक है। आ जाओ लेट्स गो आ जाओ। मैं अपनी गीगा आर्मी से फुल टू हंटिंग करने वाले हैं अपन भाई। सबकी बैंड बजा के रख देंगे। मुझे गीगा के ऊपर सैडल क्यों नहीं लग रहा ये मेरे को पता नहीं चल रहा यार। लगना तो चाहिए था भाई अपना वाला सैडल, बड़े लगाने नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरे को पता नहीं भाई। एक्सपी पोशन वैसे हमको ये वाले भी मिलते हैं भाई मिथिक वाले, वो भी जो ना कैसे अपन यूज़ कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो ना कैसे यहाँ पे एंशंट कोर जो ना एक्सटेंशन कोर वाले यूज़ कर लेते हैं भाई ठीक है। ये ले बेटा दबा के इसके जो ना कैसे यहाँ पे डाल रहे हैं अपन पॉइंट डैमेज में भाई ठीक है। ये बेटा तूने एक्सपी पोशन खाया अभी भाई? हेलो इधर है एक्सपी। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। ये ले बेटा दबा के जो ना कैसे यहाँ पे इसकी लेवलअप कर रहा हूँ मैक्स लेवल का। किसी भी कीमत में मेरे को एक गीगा मंगता मतलब मंगता भाई ठीक है। ओके चलो बेटा बेटा लोग आ जाओ फॉलो करो मेरे को फॉलो करो। हाँ आना बेटा आ जाओ रे आ जाओ गीगा आर्मी। ओए हाय 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 किसको पहले 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 किसको पहले बताओ बता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गीगा आर्मी। डरते क्या गीगा आर्मी भाई? अपनी गीगा आर्मी अपने साथ तो डरने की क्या बात भाई। देखो तो अपनी गदर राग सी गीगा आर्मी पूरी दुनिया हिला रही है भाई। यहाँ पे पूरी जमीन हिला रही है भाई आजू बाजू की। रुक जा भाई गीगा आर्मी से किसको भिड़ाए यार? गार में से बिड़ाने के लिए अच्छा एक डिलोवोसॉरस मिल गया आखिरकार भाई। मार दो यार इसको भाई यही कहीं पे होगा भाई। फेल डालो डैमेज देखना चाहता हूँ कितना दे रहे भाई ये। ए अरे यार इतनी बड़ी साइज तुम्हारी भेज के आग पेड़ के अंदर बैठ गए ये लोंडे लोग। हाँ इसने तो पेड़ तोड़ दिया भाई। हाँ फेल डाल 6000 का डैमेज। ओके दैट्स कूल। वो टर्मिनल लेके आओ क्या कर अपडेट वाला टर्मिनल वो लेके आऊँगा ना तो मैं यहाँ पे लगाने का काम करूँगा। नहीं लेके आया यार वो एक ये और शील्ड मिली थी ना मेरे को यार। ये पिछली बार मेरे को शील्ड मिली थी गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली शील्ड है। देखो
ये देख रहे हो इसके ऊपर तो किसी बड़े से डायनो ने ऐसा पंजाबी मारा हुआ है भाई, क्या ओपीसीडी लग रही है गाइज, खतरनाक। चलो आ जाओ अभी गीगा को लेके थोड़ा सा आगे जो ना दबाए मचा देते, बट सीन ये है कि गीगा अटक रहे यार। गीगा की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, ये देखो भाई भाई यहाँ पे भाई पेड़ों बीड़ों में अटकने का काम कर रही है। आ जाओ बेटा लोग, आ जाओ 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 आ जाओ भाई, हो ये आ जाओ आ जाओ, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ भाई। ओई क्या ओपी लग रहे मेरे गीगा रे, मेरे गीगा रे गीगा, गदरनाक गदरनाक। यहाँ पे कोई ना, अभी सारे डायनोज मैंने मार दिए थे क्या, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पीटी को उड़ाना बेटा। अरे सर पे भी डाली है डायरेक्टली इसने तो, ये कर लो पहले भाई, जाओ जाओ छू 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 छू, अबे यार उस पीटी को उड़ाओ ना, हाँ जाओ जाओ चलो जाओ जाओ, दिखाओ अपना डैमेज, दिखाओ अपना असली डैमेज भेज के, 8000 का डैमेज भाई, खतरनाक यार। गीगा आर्मी ओपी तो है भाई, लेकिन इससे भाई मेरे को मारने के लिए कोई खतरनाक सा डायडो नहीं मिल रहा यार, बताओ गाइज भाई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, वाइब्रेंस को बिठाया क्या, हाँ वाइब्रेंस को बिठा सकते हैं एक्चुअली में, आ जाओ आ जाओ, वाइब्रेंस को बिठा सकते हैं ना गाइज, आना रे आना, ये गीगा आ जाओ पब्लिक पब्लिक आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ, वाइब्रेंस को बिठा देते, ये मेरा फेवरेट वाइब्रेंस था जिसको मैं एक टाइम पर जाके टेम करने वाला था, लेकिन अभी इसका अपन शिकार करेंगे भाई, हंटिंग हंटिंग हंटिंग। अबे लगना भाई अटैक टारगेट क्यों नहीं हो रहा, अबे यार हेलो अटैक टारगेट हो ही नहीं रहा भाई, आ जाओ जाओ पेल डालो, हवा में पेल देना, हवा में हवा में पेलना भेज गया, अबे अकेला क्यों जा रहा है, अरे अबे इसने तो एक फटके में पेल दिया भाई। अपनी गीगा आर्मी सच में काफी ज्यादा ओपी है यार, ये नॉर्मल डायनोज जो ना गाइस उनको तो बड़े आराम से पेलम पाल दे देंगे, इतना तो मेरे को पता चल चुका है। तो गाइस क्या बोल दी पब्लिक, कैसी लगी अपनी गीगा आर्मी, हाँ मेरे को पता है। ओ ओ माय क्यूटी बॉय, हेलो हेलो ब्लू, हेलो हेलो पीछे चाहिए तेरे को, पीछे लेके आऊंगा मैं गीगा, इधर आना, इसको कोई टच नहीं करेगा, इसको कोई टच नहीं करेगा, ये मेरा है शिरका पे, हाँ अली अली ले तो ले लू इल्लू बेटा, फिश चाहिए तेरे को, मैं फिश लेके आऊंगा, ठीक है देखो तू कितना क्यूट क्यूट चौधर है भाई, मेरे को चाहिए भाई ये, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, मैं अगले एपिसोड में इस ऑर्डर को टेम करूंगा भाई, मेरे को चाहिए ये ऑर्डर भाई, मेरा पहला पहला चौथू मोतू सा क्यूट क्यूट सा ऑर्डर भाई। चलो आ जाओ, तो गाइस आज का जो एपिसोड है ना फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वैसे हमारी गीगा आर्मी जो है ना गाइस वो कैसी लगी, मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के गाइस, यहां पे आर्क मिथिकल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस। और गाइस गीगा आर्मी के लिए एकदम खतरनाक सा नाम नीचे कमेंट में डालना नहीं भूलना गाइस, ठीक है बाय बाय सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.